एक गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे, इसी वजह से वहां कई शिकारी शिकार के लिए आते रहते थे। एक दिन उसी जंगल से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है। उसके हाथ में एक बोतल होती है जिसमें एक चुड़ैल कैद होती है। ए तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, बहुत दिनों से कैद हूं मैं इस बोतल में, अब तो छोड़ दे, बदले में चाहे तो मुझसे पैसे ले ले। यहाँ भी रिश्वत, अरे चुड़ैल, मैं तांत्रिक भला पैसों का क्या करूँगा, लेकिन अगर तुझे छोड़ा तो तू लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए तुझे तो मैं कोनी छोड़ूं। लेकिन जैसे ही तांत्रिक थोड़ा आगे बढ़ता है, उसका पैर नीचे एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। उसका सर जमीन से टकराता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। बोतल उसके हाथ से छूटकर टूट जाती है। बोतल के टूटते ही चुड़ैल बाहर आ जाती है। कितने दिनों के बाद बाहर की हवा ली है। इस दुष्ट ने तो मुझे चूहा ही बना डाला था, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाली, अब खूब मजे लूंगी बाहर। जब तक ये मुआ बेहोश है मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। उधर कुछ देर बाद तांत्रिक को होश आता है। वो चुड़ैल को ना पाकर बहुत दुखी होता है। अरे यार दुष्ट चुड़ैल तो बोतल से भाग गई, मुझे जल्दी ही कैद करना होगा, नहीं तो ये निर्दोष लोगों को मारेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक भी चुड़ैल की खोज में जंगल में चला जाता है। उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी राका अपने दोस्त चिंटू के साथ आता है। क्या जंगल है भाई, यहाँ तो मेरा शेर पकड़ने का सपना पूरा हो ही जाएगा। 30 साल से 40 साल का हो गया हूँ, लेकिन एक दो जंगली सुअरों के अलावा एक भी ढंग का जानवर नहीं पकड़ पाया। हाँ, बात तो सही करत हो राका भैया, लेकिन हम शेरों को पकड़ेंगे कैसे, वैसे भी आप कमजोर हैं शिकार में। मुझे तुमसे इस तरह के जवाब की उम्मीद थी। चल देख छोटे मेरा प्लान। ऐसा कहकर राका चिंटू को लेकर एक घनी झाड़ी के पीछे जाता है और एक बड़ा सा पिंजरा दिखाता है। पिंजरा देखकर चिंटू खुश हो जाता है। वाह, मान गए राका भैया, आपके पास तो सचमुच गजब दिमाग है, वाह मजा ही आ गया। अपनी तारीफ सुनकर राका ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और बोलता है। छोटे अभी तो तूने मेरा दिमाग देखा ही नहीं है, अब देख। ऐसा कहकर राका पिंजरे के अंदर एक बकरी बांध देता है और बोलता है। अब इस बकरी के लालच में शेर पिंजरे के अंदर आएगा और फिर जाल में फंस जाएगा। बस छोटे अब यहाँ से चलते हैं, सुबह देखना अपने भाई का कमाल। फिर राका और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। रात में चुड़ैल वहाँ भटकते हुए आती है। उसे बड़ी जोरों की भूख लगी होती है। कितने सालों से मैंने जंग का मांस नहीं खाया, ना खून ही चखा है, आज उस तांत्रिक से आजाद होने के बाद भूख भी कुछ ज्यादा ही लग रही है। तभी चुड़ैल की नजर पिंजरे में बंधी बकरी पर पड़ती है। बकरी देखकर वो खुश हो जाती है। लगता है शैतान ने मेरी सुन ली, क्या मस्त बकरी है, इसे खाने में मजा आ जाएगा। चुड़ैल खाने के लालच में पिंजरे के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन चुड़ैल खाने के लालच में कुछ नहीं देखती और बकरी को मार कर खा जाती है। खाने के बाद चुड़ैल पिंजरे से निकलने की कोशिश करती है। अरे फिर से फंस गई रे, ये क्या हो गया, ये तो पिंजरा है लेकिन इस जंगल में ये पिंजरा किसने लगाया, ओह मेरी तो जिंदगी ही खराब है, अब क्या करूं। चुड़ैल पिंजरे से निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती और थक कर पिंजरे में ही सो जाती है। अगली सुबह चिंटू पिंजरे के पास आता है। आज कोई ना पकड़ में आया हो, इस झंडू शिकारी का मजाक उड़ाऊंगा, बहुत जान बांटता है। लेकिन तभी उसकी नजर चुड़ैल पर पड़ती है, जिसे देखकर चिंटू घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। राका भैया, अरे मर गए रे, बाहर आओ, देखो क्या पंगा हो गया, चुड़ैल। चिंटू के चिल्लाने की आवाज राका को आती है।
ये चिंटू भी ना कुछ भी हो चिल्लाने लगता है, पता नहीं किसे देखकर चुड़ैल चुड़ैल कर रहा है। अरे मेरी बीवी तो घर पर है, चलो चलकर देखता हूँ। ऐसा कहकर राका भी चिंटू और पिंजरे के पास पहुँचता है, लेकिन चुड़ैल को देखकर वो भी डर जाता है। ये क्या है छोटे, ये तो चुड़ैल है, ये कहाँ से आ गई? हमने तो शेर पकड़ने का प्लान बनाया था रे। उन दोनों को देखकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और बोलती है, सुनो जोकरो, बहुत हुआ चीखना चिल्लाना, अब जल्दी से इस पिंजरे का दरवाजा खोलो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। चुड़ैल को गुस्से में देख चिंटू बोलता है, वाह चुड़ैल जी, हम दोनों जोकरों जैसे दिखते जरूर हैं, नहीं का समझती हो तुम हमका, हम तुमको खोल दें और तुम हम दोनों का चिकन तंदूरी बना दो। देखो मैं तुम दोनों की बकवास सुनने नहीं आई हूँ, जल्दी से खोल दो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ, और मेरा वादा है कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूँगी, चलो खोलो अब। नहीं नहीं, अब हम दोनों तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, हम नहीं खोलेंगे तुम्हें। ऐसा कहकर राका और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं और अपने तंबू में आकर आपस में बात करते हैं। भैया इस चुड़ैल को अगर हमने छोड़ दिया तो ये हमें मार डालेगी, लेकिन मेरे दिमाग में एक स्कीम आ रही है। तो इतनी देर से क्यों पहेलिया बना रहा है भाई, अगले साल बोलेगा भाई। आप तो गुस्से में आ जाते हो, पहले सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ कि अब तो पिंजरे में आ ही गई है, क्यों ना हम इसे लोगों को दिखाएं और पैसे बनाएं। वाह छोटे वाह, तेरे 50 ग्राम के भेजे में लाखों का आइडिया आ गया, वाह गजब आइडिया है गजब। इसके बाद राका और चिंटू अपने प्लान के हिसाब से चुड़ैल के पिंजरे को जंगल से बाहर निकाल कर गाँव के किनारे ले जाते हैं और उसकी प्रदर्शनी लगा देते हैं। लोग भी पिंजरे में कैद चुड़ैल को देखने आने लगते हैं और चुड़ैल के पिंजरे के पास खड़े होकर बातें करते हैं। अरे हम तो पहली बार चुड़ैलवा को इतने करीब से देखा हूँ और वो भी जिंदा। मजा आ गया भैया, मजा आ गया। सही कहो तो पोपट भैया, इसको देखने में तो शेर से भी ज्यादा मजा आता है। बस एक ठोक कमी रह गई, ये कुछ करतब दिखा देती तो पूरा सर्कस की फीलिंग आ जाती। उन दोनों की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, मेरा करतब देखेगा चमगादड़ की शक्ल वाले, एक बार आजाद हो जाओ फिर दिखाती हूँ तुम्हें करतब, चल फुट यहाँ से। चुड़ैल को गुस्से में देख गांव वाले वहाँ से भाग जाते हैं। धीरे धीरे चुड़ैल के बारे में आसपास के गांव में भी पता चल जाता है और लोग उसे देखने आने लगते हैं और राका और चिंटू की भी खूब कमाई होने लगती है। छोटे तेरा आइडिया तो काम कर गया, इतना पैसा आ रहा है ये ले, थोड़ा तू भी ले ले। ऐसा कहकर राका चिंटू को कुछ पैसे देता है जिसे देख चिंटू बोलता है, बस क्या राका भैया इतना सा ही, हम तो सोचे थे कि हमें आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन आप तो हमें खाली चिल्लर दिए दे रहे हो। चिंटू की ये बात सुनकर राका को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू को बोलता है, अब तेरी इतनी औकात हो गई छोटे, तो मुझसे पार्टनरशिप करेगा, चल फुट यहाँ से, जितना है उतना रह। राका की बात सुनकर चिंटू उदास मन से वहाँ से निकलता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसे बुलाती है। चिंटू भैया जरा इधर आओ, इस राका के बच्चे ने तुम्हारा अपमान करके ठीक नहीं किया, आखिर आइडिया तो तुम्हारा ही था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात तो ठीक है चुड़ैल जी तुम्हारी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो राका बहुत तगड़ा है, हमको मारेगा बहुत। तुम डरते बहुत हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह उस राका से बदला ले सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। ना बाबा ना, कहीं तुमने मुझे ही मार डाला तो है? नहीं नहीं मैं नहीं। मैंने सही समझा तुम्हारे बारे में, तुम तो सचमुच बहुत डरपोक हो। अरे हम चुड़ैलों की भी कोई जुबान होती है। फिर चिंटू बदले की भावना और चुड़ैल की बातों में आकर चुड़ैल को पिंजरे से आजाद कर देता है। देखो चुड़ैल जी मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब जाकर राका के बच्चे से मेरा बदला ले लो, जाओ। लूंगी मेरे छोटे, पहले तेरे से तो निपट लूं। ऐसा कहकर चुड़ैल चिंटू को गर्दन से पकड़ लेती है। ए, 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 ए,
ये क्या कर रही हो? तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे नहीं करोगी, तुम अपना वादा तोड़ रही हो। अरे चुड़ैलों के भी कोई वादे होते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल चिंटू को मार डालती है। उधर चिंटू की आवाज सुनकर राका भी आ जाता है और चुड़ैल को देखकर बोलता है, तुम बाहर कैसे आ गई चुड़ैल? चिंटू कहाँ है? चिंटू कहाँ है? चिंटू को जहाँ जाना था चला गया। अब तो जब ही उसके पास भेज देती हूँ, बहुत पैसा कमा रहा था मेरी नुमाइश करके। ऐसा कहकर चुड़ैल राका को भी मार डालती है। मजा आ गया आजाद होकर, अब बताऊंगी उन लोगों को जो मुझे देखने आ रहे थे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गांव चली जाती है और लोगों को मारने लगती है। चुड़ैल की खबर तांत्रिक तक पहुँच जाती है और वो भी गांव पहुँचता है। बस दुष्ट चुड़ैल, बहुत हो गया, अब तू ना बचेगी। पिछली बार तुझे कैद करके गलती करी थी मैंने, आज ये गलती नहीं करूँगा। तू मारेगा मुझे? तांत्रिक उसकी एक नहीं सुनता और उस पर शिवजी की भभूत डाल देता है, जिससे वो चुड़ैल वहीं जलने लगती है। अरे मर गई रे तांत्रिक, ये क्या डाल दिया तूने मुझ पर, तेरा नाश मिटे। कुछ ही पल में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।